उसमें लैट्रिन भी बना है लेकिन करने नहीं देती है मैम। ताला बंद रहता है क्या? मैम जी जब लैट्रिन करने जाती तो हम लोग से पानी भरवाती है। क्यों हंस रहे हो जी? यार ये हंसने की बात नहीं है, तुम लोग के साथ गलत हो रहा है ये। ताला मार देती है, मारती है खूब ज्यादा। कौन मारता है? मैम आप लोगों को ये समस्या पता थी इससे पहले? समस्या तो इतना पता नहीं था, आज आपके द्वारा हम लोग पता चला, इस मुद्दा को उठाएंगे और बच्चों के साथ शोषण हो रहा है। भविष्य जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो सपना देखा था, बच्चों को मिड डे मील दूध दे रहे थे, आज यहाँ पे आप राजनीति चमका रहे हैं, इन बच्चों का बचपन जो है वो अंधकार में जा रहा है। हाँ तो स्कूल हम बोल रहे हैं मैडम कि हमारे स्कूल में टेस्टी पकवान, हमारे स्कूल में पकवान बनता है, वो भी टेस्टी नहीं बनता है। अच्छा मिड डे मील जो दोपहर में मिलता है खाना? हाँ वही। और दूध भी मिलता है, उसमें भी पानी रहता है। और प्राथमिक विद्यालय फटरहट वन है स्कूल, वही पे अनेक से पढ़ाई भी नहीं होती है, बस इतना ही। तो मैडम लोग आके स्वेटर बिनती है, अक्की तो मोबाइल चलाती हैं। यस मैम मोबाइल चलाती हैं, अनेक से पढ़ाई भी नहीं होता है उसमें। खाना अच्छा नहीं बनता है? नहीं, पहले तो ड्रेस फ्री में मिलता था, अब नहीं मिलता है, बस अब पैसा आएगा। हाँ वजीफा, वही ड्रेस मिलता है? नहीं मिलता, अब नहीं मिलता है ड्रेस। तुम लोगों को बैग मिलना चाहिए, जूता मिलना चाहिए, नहीं मिलता, किताब मिलना चाहिए, सब मिलना चाहिए फ्री, तो नहीं मिलता है ये। नहीं मिलता, नहीं मिलता है। और मिलता है तो, और फल मिलता है तो महीने महीने पे मिलता है, दूध भी नहीं मिलता है सुबह, बस। सुन लीजिए, एक छोटा सा बच्चा, नाम बताओ बाबू। कृष्णा मदेसिया। कितने साल के हो? 15 साल के। ये कृष्णा जो है, तुम 15 साल के हो? यस मैम। देखिए कृष्णा जो है, चल रहा है मेरा 15 साल। कृष्णा जो है वो गुहार लगा कर बता रहा है कि जो योजना साहब आप बना रहे हैं वो सिर्फ आंकड़ों में है, जमीन पे नहीं पहुंच पा रही है। दूध नहीं मिल रहा है, दूध मिल भी रहा है तो उसमें पानी, खाना नहीं मिल रहा है। और जो नहीं खाते हैं पकवान, मार मार के मैम कहती है खाओ, मार के खिलाती है। यस मैम। आज से बर्तन मसवाती है तुम लोगों से? यस मैम। बर्तन हम सही बता रहे हो कि नहीं? मैम जी पूछ लीजिए आप, सब लोग पढ़ते हैं। बर्तन सब लोग सही बोल रहे। कौन सा स्कूल बता रहे हो? वही प्राथमिक विद्यालय। कहाँ का? ब्लॉक पे, ब्लॉक पे गौरी बाजार के पास। गौरी बाजार, गौरी बाजार। इस स्कूल पे जाएंगे अगर बच्चों से बर्तन मजवाया जा रहा है तो उनका दोहन है, तुम्हारा ऐसे नहीं कराना चाहिए। उसके लिए उन लोगों के लिए माजने के लिए लोग आती है ना? यस मैम। आज जो नहीं खाना मजवाते, जो नहीं खाना खाते उससे हैंडपम्प चलवाया जाता है, वही नलका चलावाया जाता है। अगर खाना नहीं खाओगे तो हैंडपंप चलाना पड़ेगा। सही बता रहे हो ना? हाँ सही सही बता रहे एकदम। नहीं चलाएंगे ना तो मैम डंटा से मारेंगे हम लोगों। हम लोग मारेंगे। बर्तन तुम लोग मांजते हो? अच्छा बर्तन मांजते खाते हैं? अपना जो खाते हो वो बर्तन मांजते हो? और घर से बर्तन ले जाते हो कि वहाँ मिलता है? वही मिलता है, वही मिलता है, वही मिलता है। उसके बाद अपना खा के धुंधला रहता है। जूठा जूठा में खाते हैं हम लोग, जूठा में खाना पड़ता है, नहीं तो मारती है। हाँ मारती है। साहब ये बचपन जो है आपसे कुछ नहीं मांग रहा है, सिर्फ अपना अधिकार मांग रहा है, वो पढ़ना चाहता है। अब जब आप स्कूल में जो मिड डे मील की योजना बनाकर ये कह रहे हैं कि ये बच्चे जो है वो पोषित हो जाएंगे, इनका बचपन जो है वो अच्छा होगा, तो ये सोच कर देखिए जब ये स्कूल के कैंपस में आपके द्वारा बनाए गए खाने को ना पसंद करें तो उस पर आप उनको मारेंगे। यही आप इनको योजना दे रहे हैं, यही आप लाभ पहुंचा। कौन मारता है? कौन मारता है? मैम। मुस्कुरा क्यों रहे हो यार? नहीं खाते थे, नहीं खाते थे, मैं मारती हूं। नाम पता है मैम का? नाम बताओ। नाम पता है मैम का? नहीं मैम। मैडम क्या नाम है? नहीं मैं मारा हूँ। नहीं मैम। सब जो नहीं खाता है उन सभी बच्चों को मारती है?
बरसपाल का नाम बताओ बच्चा। सुनिए वो गुरु जो बच्चों को सिखा कर एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करती हैं, कहा जाता है हमारे भारत में या हर जगह बच्चे शिक्षित होते हैं तो एक अच्छा इंसान बनते हैं। जब बच्चों के साथ ऐसा शोषण होगा और ये बच्चे बड़े होंगे तो इनके अंदर कितनी अच्छी इंसानियत पैदा कर रही हैं ये मैडम जिनका नाम ये ले रहे हैं। इतना बड़ा आरोप है कि आप इनका बचपन जो है वो बर्बाद कर रही हैं। हम इन सभी के दूध मिलता है ना तो उसमें पानी मिला कर देते हैं। अभी नहीं, अब नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, अब नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिलता है। क्या मिल रहा है खाने में? भात भारी सब सब्जी, आलू सब्जी दाल सब मिलता है। रोटी सब्जी नहीं बनाते हैं, उसी तरह बना देते हैं। तो तीता तीता लगता है, सड़ा हुआ रहता है, सड़ा चाहे पका कोई भी बन जाता है उसमें, कोई भी। अच्छा ऐसे दिन दिन होगा ना, एक दिन खिचड़ी बनता होगा, एक दिन आलू। तो जो तुम्हारे स्कूल में चार्ट बना हुआ है भोजन सूची, उसी के अनुसार बनता है कि किसी और अपने मन से जो मन में आता है बना? अपने मन से नहीं बनता है, जो लिखा है लिखा है ना उसी पर बनता है। खिचड़ी बनता है, भात बनता है, दाल बनता है। जैसे सोमवार को खिचड़ी होगा, मंगलवार को कुछ और होगा, वैसे ही बनता है, उसी तरह बनता है। लेकिन अच्छा नहीं बनता है? नहीं बनता है। जाएंगे उस स्कूल में, जल्दी ही वादा है मेरा कि मैं इस स्कूल में जाकर इन बच्चों का जो आरोप है वो देखने की कोशिश करूंगी। ये वादा है मेरा, मैं जाने की कोशिश करूंगी। हाँ चलिए भैया, चलो। अरे अरे मैं मरती हूँ। क्या कह रहे हो बाबू? पानी है, पानी। हाँ हम लोग कह देना मैम, हम लोग खाना नहीं खाएंगे ना, हम जा रहे समोसा खा रहे थे, समोसा भी नहीं खाने जा रहे। जबरदस्ती वही, चलो चलते रहो, जबरदस्ती वही खिलाती हैं। यस मैम। और स्कूल में जा मारती हैं डंडे से। यस मैम। ऐसे कैसे होता है जी? बोलो, नहीं खाऊंगा, मेरा पेट भरा है। पेट नहीं मर, मेरा भरती भी नहीं करते। हम खाते भी नहीं, उसमें खाना अच्छा बनता ही नहीं है। तो रोज का खाएंगे? तो रोज मारती है क्या जब जब नहीं खाते हो तब? तो यस मैम। और पानी चलवाती है? हाँ, जितना बर्तन मजाता है सब पानी चलाना पड़ता है। यस मैम। जब नहीं खाएंगे तो कोई कोई सब बर्तन मांजता है, कोई नहीं मांजता है तो और धुलाता है। लेकिन ये खाता है ना पूरा पानी धर्रा मारता है, यही सब पानी चलता है। चलो आगे, मोदी जी वाला फोर लेन था। हम लोग कहते ना ढेर बोल रहे तब नमक काट के भगा देंगे इसमें। ऐसे बोलती हैं मैम? उसमें लैट्रिन भी बना है लेकिन करने नहीं देती है मैम। बंद रहता है क्या मैम जी? जब लैट्रिन करने जाती तो हम लोग से पानी भरवाती हैं। क्यों हंस रहे हो यार? ये हंसने की बात नहीं है, तुम लोग के साथ गलत हो रहा है। ये हम लोग बाहर जाते हैं तो छुट्टी मांगती है। जब हम लोग नहीं भरते तो मारती है। नाम काट के कहती है ना भाग जाओ तो नाम काटती है सब। किस बात पे बोलती है नाम काट दो? जब हम लोग तन मन काम नहीं करते हैं तब। तो काम नहीं करोगे तो डांटेंगे नहीं? नाम का खेलने पे भी स्कूल में खेलते हो तो बोलती है नाम काट दो। मैडम जो आप तनख्वाह लेती हैं वो खैरात का नहीं है, वो जनता का पैसा है, वो इसलिए देती है ताकि देश के जो बच्चे हैं वो पढ़ सके। तो ऐसा कहने का आपके पास हक भी नहीं है और आप पता नहीं कैसे कह रही हैं, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है। पता नहीं किस स्कूल किस कॉलेज से आप पढ़ी, किस स्कूल किस संस्था ने आपको ऐसी टीचिंग सिखाई है जिसमें आप बच्चों का शोषण कर रही हैं। पता नहीं, समझ में नहीं आता है हमारे देश का भविष्य किस तरफ जा रहा है। मुझे इन लोगों की बात में अगर सच्चाई है तो ये बहुत गलत हो रहा है इनके साथ कि अगर खाना नहीं खाएंगे तो आप मारेंगी, खाना नहीं खाएंगे तो आप उन सारे बर्तनों के लिए पानी चलवा लेंगी। जो शौचालय बना था वो आपके आपने पैसा दिया था क्या? जो शौचालय बना था कि बच्चे उस शौचालय में नहीं जा सकते, और आप जो शौचालय जाएंगी तो पानी इन बच्चों से चलवाएंगी। सब मैम लोग अपने जाती हैं, हम लोग को नहीं जाने देती हैं। सब ताला मार देती हैं, मारती है खूब ज्यादा। कौन मारता है? मैम। हम लोग जाते हैं ना पैखाने में तो मैम मारती है, पैखाने में ताला मार देती है। ताला बंद रहता है? हाँ।
जब एक लगता है ना तो जाने नहीं देती हैं। तो कहाँ जाते हो तुम लोग? बाहर जाने खाती जो घर जिसमें घर टूटा है ना स्कूल टूटा है उसमें जाते हैं। और लड़कियाँ? उसी में जाती हैं सब। नहीं बनो उन पे खाना बोल रहा हुआ तब नहीं जाते हम नहीं जाएंगे। हाँ लड़की वाला है एक उधर लड़का वाला है दोनों में ताला बंद रहता है। जब वो लोग जब वो लोग जाते हैं ना तो ताला खुल जाता है। कहाँ है तुम्हारे पापा? मेरे पिताजी नहीं है। किसके पापा यहाँ है? यहाँ इन बच्चों में किसके पापा हैं यहाँ पे अभी? लल दैया बोल तो। किसके पापा है? ना गई ना। कौन से स्कूल में जाते हैं? स्कूल में कौन है? स्कूल किसके पापा हैं भाई? कहाँ है आप लोगों के पापा? इन बच्चों में किसी के गार्जियन है भाई? इसके मामा है। कहाँ है? किस स्कूल में जाते हैं? बता तो रहे भैया ये बताइए बच्चे किस स्कूल में जाते हैं? ब्लॉक के स्कूल है ना वहीं पर जाते हैं लड़का। ब्लॉक का स्कूल है? स्कूल का क्या नाम है? आपको भैया किसी को पता है ये बच्चे कहाँ जाते हैं? पूर्व प्राथमिक विद्यालय गोरबियार पत्रहार जी। पूर्व प्राथमिक विद्यालय पत्रहार में बच्चे पढ़ते हैं सर। आप लोगों को ये समस्या पता थी इससे पहले? समस्या तो इतना पता नहीं था, आज आपके द्वारा हम लोग पता चला। इस मुद्दा को उठाएंगे और बच्चों के साथ शोषण हो रहा है। भविष्य जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो सपना देखा था बच्चों को मिड डे मील दूध दे रहे थे, आज यहाँ पे आप राजनीति चमका रहे हैं। इन बच्चों का बचपन जो है वो अंधकार में जा रहा है। हाँ तो जाहिर सी बात जा रहा है जब राष्ट्रीय। अच्छा बताओ तुम लोग को दूध मिलता? कैमरा घुमाइए। पहले मिलता था? पानी मिला करते थे सरकार में, दूध मिलता था। भैया एक बार घुमाना। आप लोग बताइए आपके बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं वो शौचालय में इन बच्चों को नहीं जाने दिया जाता है, बात आप लोगों को पता है? तो पता थी नहीं पता थी आप लोगों को? नहीं पता। तुम लोग को बेटा अपने गार्जियन को बताना चाहिए सारी बातें। पापा मम्मी को तो बताना चाहिए ना ये सब। हाँ बेटा मम्मी को पापा को जो जो भी बड़े हों घर में उनको बताना चाहिए ना। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। मेरा वादा है कि कल तक मैं जो है उस स्कूल में जाकर यह सच्चाई देखने की कोशिश करूंगी कि इन बच्चों का आरोप सही है या गलत।